तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं एक नई फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 3 रेयर बैटल्स इन ई स्पोर्ट। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इसी तरह ई स्पोर्ट रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारा पेड स्क्रीन का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम नेट ऐसी, बट एक बार आप यहाँ ध्यान तो दीजिए, वासियो क्या कर रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वेल क्या करे, वो धोनी को पता, बट टीएससी इज प्लेइंग विद 11 किल्स। वो भाई मना है वासियो भाई, वासियो सुनो, बैटिंग में जाओगे सही है टीम यहाँ से यार। क्या हो रहा, उनको आप छू भी नहीं सकते, इतना ज्यादा है वो आगे निकल। सारी की सारी ग्लोव्स इस्तेमाल कर वो लॉन्चर आपने देखा लेजेंड के ऊपर किस तरीके से निकल के आया, बट बचाने का ट्राई करने जा रहा है। यहाँ पर रिवाइव भी दे दीजिएगा, बट यही बात करता हूँ, हर बार मैं बात करता हूँ इस चीज के बारे में कि यार आपका नंबर्स बचा के रखना, और नंबर्स बचाए जा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फायदा उठाया जा रहा है। एंड दूसरी साइड बात करेंगे, सुमा फ्लोट कर रही है, फ्लोट करके आगे जाने का ट्राई करेंगे, यहाँ पर किल करने का ट्राई करा जाएगा। नेट थ्रो कर जा रहे हैं दोनों ही साइड, सब नेट खड़े होकर दे देना। अरे अभी क्यों, जहां पर अगर हम बात करेंगे तो इस टाइम पे जो ट्रिपल किल करके नॉक इनके साथ ऑलरेडी बैठे हैं, एंड इसके बाद शट डाउन कर देगा प्लेयर्स को, आगे बढ़ेगा प्लेयर एंडिंग पर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। एंड फिलहाल यहाँ पे बात किया था अगेन प्रेसिडेंट पॉइंट्स बहुत तगड़े, बट स्काईलॉर्ड की तरफ से फिर से एक बार यहाँ पे इस टीम की इनफैक्ट तरफ से फिर से एक बार हम यहाँ पे कहने की देखना चाहेंगे वो 15 किल 16 किल वाला परफॉर्मेंस, दो मैचेस थोड़ा सा यहाँ पे खुद को चार्ज कर रहे होंगे मे बी, बट फिर से एक बार वालिया का एक कमाल का शॉट यहाँ पे, तीसरा किल कंप्लीट एंड जियांग का 3 किल्स यहाँ पे देखना पड़ेगा, बाकी सारे प्लेयर्स कब तक इनको ढूंढ पाएंगे, बिकॉज ऊपर से नीचे यहाँ पे बड़ा बड़ा आना पड़ेगा, काफी कमाल के शॉट्स यहाँ पे वालिया, क्या 1v4 करेंगे या फिर प्लेयर्स बाकी सारे यहाँ पे कहेंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, नीचे आने का कोई मौका नहीं। आरडीपी रशन फ्रॉम ऑरंगुटान यहाँ पे कहने के रोने वाले, टीएजी की कमान संभाल तो ये खेलेंगे, इकलौते प्लेयर बचे हुए, एक एंगल यहाँ पे मिलेगा। आप सभी को बता दूं फ्री फायर की ज्योग्राफी यही कहती है कि आप जब ऊपर शॉट लगाते हो आपको एंगल तगड़ा मिलता है, बट ऊपर से जब नीचे लगाते हो आपको एंगल में थोड़ी सी कमी नजर आती है। आरडीपी बिल्कुल एक भी शॉट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वहां से, बट वही बात करें वालिया की, यहां से परफेक्ट शॉट यहां पे वालिया के लगेंगे, कमाल का शॉट यहां पे कंप्लीट आने, इस बार स्काईलॉर्ड मे बी यहां पे बुया कर सकती है, किल्स इतने ज्यादा नहीं, बट बुया के 12 प्लेसमेंट पॉइंट्स अगेन आएंगे, एंड इनके हैट्रिक यहां पे कंप्लीट होने वाली है, दिस इज गोना बी द हैट्रिक ऑफ स्काईलॉर्ड टीम। गाइस क्या लगता है इस बार हैट्रिक कंप्लीट करेंगे या फिर आरडीपी अपने चार्ज बस्टर से इनसे यहां पे छीन जाएंगे जो वो बुया जियांग, आई थिंक यहां पे वालिया क्लोज जा रहे हैं, मैक्सिमम का स्प्रे यहां पे लग सकता है, आरडीपी को कोई मौका नहीं वालिया को यहां पे शॉट्स लगाने का, आरडीपी वहां पे बिल्कुल तैयार, एक कमाल का स्प्रे यहां पे जरूर, यहां पे वालिया एक अच्छे एंगल के साथ बुया 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 यहाँ पे निकाल के रखा, तो गाइस आई थिंक बुया ये 3 बार क्योंकि हैट्रिक यहाँ पे इनकी जरूर कंप्लीट हो जाएगी। अनवालिया ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। पॉइंट बनेंगे फोर अनोन, मेरे को साथ नहीं था जी, फोर अनोन बना मिलीट इसका, 4v4 फाइट लगे जी 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 बिल्कुल 4v4 फाइट है, टीम इलीट 4 बंदे, 4 अनोन 4 बंदे, अगला जोन जाएगा बिल्कुल सेंटर पानी में, एक पानी के उस तरफ एक पानी के इस तरफ जी, ऐसा लग रहा है ये कोई लीड बनाम फोर अनोन नहीं, भारत बनाम पाकिस्तान हो रहा है जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो मैं पॉइंट करना चाहूंगा, पहाड़ी की गन देखिए कार98 है, ये पहाड़ी की पसंदीदा गन है, चला लेते हैं कार98 अच्छे से, बट मैं पहाड़ी को ज्यादा कंफर्टेबल M2P और AWM के साथ देखता हूँ, तो कोई रिवाइव तक नहीं दे रहा है अगर आप देखें यहां पे, नहीं यहां पे, और है जोन इलीट के खाते में बन गया, ओ माय गॉड जोन इलीट के खाते में बन गया है, इलीट के खाते में जोन बन गया है, लेकिन अननोन को पानी में जाना पड़ेगा जी, अननोन को पानी में जाना पड़ेगा, और अब तीनों खिलाड़ी लेट कर इंतजार करेंगे, और तीन खिलाड़ी एक जगह लेट नहीं सकते, ये भी दिक्कत है। टीम इलीट बनाम फोर अननोन जी गाइस, कौन पड़ेगा किस पर भारी, आरडीपी फिर से डाउन, अभी लीड सोच रही हूँ काश हमने किलर को भी रिवाइव दे दिया, और भाई ये देखिए भाई
और भाई साहब ये लड़ाई नहीं, ये तो महा लड़ाई है। ऐसा लग रहा है लंका पे चढ़ाई कर रहे हैं जी। क्या एलिट यहाँ पे लंका विजय कर पाएगी? स्वास्तिक के ऊपर एम बनाते हुए आरडीपी मेडिकेट, इनके पास एक ही है, लगा क्यों नहीं रहे पता नहीं। पहाड़ी जोन एलिट के पास है हैंड्स डाउन। स्नाइपर गॉड पहाड़ी, मैं यही कह रहा था कार 98 की जगह अगर MH2B या AWM होती तो ज्यादा कारगर साबित होता, क्योंकि कार 98 इतना डैमेज दे नहीं पाएगी। वॉल तोड़ने में भी टाइम लगता है जी, से पहाड़ी वॉल के आर पार भी मार सकते थे जी। दबाव ज्यादा आइको पे है और आइको के पास मेडिकेट बिल्कुल नहीं है। आइको ने मेडिकेट में नेट डाल दी, पानी में भी नेट जाते, और आप यकीन मानिए नेट सही गया इस बार। बीम डैमेज हो चुके हैं, बीम डाउन होने वाले हैं। नहीं अभी भी अगर आप देखें टीम एलीट और फोर अननोन के बीच में आर्या पार की लड़ाई, यहां से मुझे लंका विजय बहुत मुश्किल लग रही है एलीट की। अब जोन जो है वो फोर अननोन के खाते में चला गया है, और आप यकीन मानिए एलीट ने भी हार नहीं मानी अब तक। और यहां पे खेल खत्म, फोर अननोन है जन इट्स इम्पॉसिबल। बुया बुया बुया, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।